सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, अपने भक्त नंदू को जो वर दे कर जाते हैं। हम कथा सुनाते हैं, हम बाबा मोहन राम के भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, अपने भक्त नंदू को जो वर दे कर जाते हैं। हम कथा सुनाते हैं, जय बाबा मोहन राम भक्तों के सवारों का, जय बाबा मोहन राम भक्तों के सवारों का। सन 1530 ईस्वी की है ये भक्तों बात, बाबा मोहन राम से हुई जो नंदू की मुलाकात। राजस्थान के अलवर जिले में है तहसील तिजारा, गांव मिलकपुर की पहाड़ियों में हुआ वाकया सारा। नंदू नाम का ग्वाला अपनी गाय चराता, कृष्ण भगवान का निश दिन ध्यान लगाता था। सच्चे मन से वो करता था श्री हरि का तो ध्यान, उसकी भक्ति से खुश हो गए श्री कृष्ण भगवान। चमत्कार एक नंदू ग्वाले को दिखलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, अपने भक्त नंदू कर जाते हैं। हम कथा सुनाते हैं, जय बाबा मोहन राम भक्तों के सवारों का, जय बाबा मोहन राम भक्तों के सवारों का। नंदू ग्वाला रोज ही अपनी गाय चराने आए, एक अनोखी गाय उसकी गायों में मिल जाए। अपनी माया से कृष्णा भगवान ने गाय बनाई, नंदू ग्वाले की गायों संग जो है चरने आई। नंदू ग्वाला अपने मन ही मन में सोच रहा, सिवा और गाय चराने आया कौन यहाँ। शाम हुई तो लगा लौटने गायों को लेके, अद्भुत गाय किंतु उसको आई नहीं नजर। नंदू अपनी गाय लेकर लौट ही आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, अपने भक्त नंदू को दे कर जाते हैं। हम कथा सुनाते हैं, जय बाबा मोहन राम भक्तों के सवारों का, जय बाबा मोहन राम भक्तों के सवारों का। अगले दिन भी नंदू ग्वाला गाय चराने आया, कुछ ही देर में उसी गाय को गायों बीच पाया। शाम हुई तो फिर से गाय तो नजर नहीं आई, दिन भर तो यहाँ चरती थी अब देती नहीं दिखाई। कई दिनों तक यही घटना उसके साथ हुई, आया समझ नहीं। सोचा उसने मैं गाय के साथ में जाऊंगा, कौन है इसका मालिक ये भी पता लगाऊंगा। उस गाय के पीछे पीछे नंदू
सुनाते हैं अपने भक्त नंदू को जो वर दे कर जाते हैं। हम कथा सुनाते हैं जय बाबा मोहन राम भक्तों के सवालों का, जय बाबा मोहन राम भक्तों के सवालों का। करते करते नंदू ग्वाला उस गाय का पीछा, बीच पहाड़ियों की एक गुफा में नंदू आ पहुंचा। गुफा के भीतर हो रहा था बड़ा अद्भुत सा प्रकाश, सोच रहा है नंदू मन में कोई गुफा ये खा। नंदू ग्वाला जैसे जैसे आगे बढ़ता है गया, अद्भुत सा एहसास एक नंदू को है होने लगा। लगने लगी गुफा नंदू को बड़ी ही वो प्यारी, देखा धोनी रमाए बैठे एक जटाधारी। देखते ही बाबा को नंदू शीश झुकाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं अपने भक्त नंदू को जो वर दे कर जाते हैं। हम कथा सुनाते हैं जय बाबा मोहन राम भक्तों के सवालों का, जय बाबा मोहन राम भक्तों के सवालों का। कहो क्या कारण है मेरी गुफा में आज जो आए हो। बाबा ने अपने मुख से नंदू का नाम पुकारा, सोच रहा है नंदू भगत ये खड़ा खड़ा बेचारा। नहीं हुआ जीवन में कभी मेरा गुफा के भीतर आना, इस बाबा ने ना जाने मेरा नाम है कैसे जाना। सिद्ध पुरुष है कोई या फिर खुद ही है भगवान, अपने मन ही मन में लिया है नंदू ने ये मान। हाथ जोड़ चरणों में उनके गिर ही जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं अपने भक्त नंदू को जो वर दे कर जाते हैं। हम कथा सुनाते हैं जय बाबा मोहन राम भक्तों के सवालों का, जय बाबा मोहन राम भक्तों के सवालों का। नंदू भक्त को बाबा मंद मंद मुस्काए, बावन रूप बाल है स्वरूप के दर्शन है करवाए। नंदू भगत की खुशी का फिर तो कोई नहीं ठिकाना, धन्य है भगवान आपने मेरी भक्ति को माना। बोले भगवान कलयुग में मेरे सच्चे भक्त हो तुम, इसीलिए तो दर्शन देने खुद आए हैं हम। इतने दिन तक तुमने मेरी गाय चराई है, जितनी चराई बनती है वो देनी चाहिए। मांग लो अपने मुख से हम तुम्हें देना चाहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं अपने भक्त नंदू को जो वर दे कर जाते हैं। हम कथा सुनाते हैं जय बाबा मोहन राम भक्तों के सवालों का, जय बाबा।
वक्त तो तुम ही हमारे हो। सच कहता हूँ नंदू, तुम मुझे लगते प्यारे हो। भक्तों को सदा दर्शन देने हम आ जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। अपने भक्त नंदू को जो वर दे कर जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय बाबा मोहन राम, भक्तों के सवारों का। जय बाबा मोहन राम, भक्तों के सवारों का। फिर बोले हैं नंद भगत को बाबा मोहन राम, सात पीढ़ियों तक कृपा रह बस करना एक काम। काली खोली में जाकर मेरे नाम की ज्योत जलाना, मोहन राम अवतार मेरा है ये सबको बतलाना। मेरे नाम के साथ में नाम तुम्हारा भी जुड़ जाए, कष्ट निवारण उसके जो मेरे दर्शन पाए। तुम जो कहोगे वचन वही पूरा हो जाएगा, तेरी हर पीढ़ी में मेरा भक्त कोई आएगा। इतना कहकर बाबा अंतर ध्यान हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। अपने भक्त नंदू को जो वर दे कर जाते सुनाते हैं। जय बाबा मोहन राम, भक्तों के सवारों का। जय बाबा मोहन राम, भक्तों के सवारों का। नंद भगत ने उस दिन से ही ले लिया है संन्यास, करने लगे तपस्या वो तो आके गुफा के पास। दूर दूर से दर्शन करने भक्त लगे आने, नंदू बाबा भक्तों के हैं लगे कष्ट हरने। अपने मुख से वचन जो कहते पूरा होता वही, चर्चा दूर तलक है हुई। लगे त्यागने नंद भगत है फिर जब अपने प्राण, भाव सिंह और लालू भगत को दे दिया है वरदान। सेवा करने बाबा की वो भी लग जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। अपने भक्त नंदू को जो वर दे कर जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय बाबा मोहन राम, भक्तों के सवारों का। जय बाबा मोहन राम, भक्तों के सवारों का। के बाद में चल फिर महाराम है आए, उसके बाद हर नारायण फिर बोधा राम आए। नेत राम फिर अब पर का सह सेवा किए जाए। हरियाणा में जाना माना जिला एक गुड़गांव, जेल रोड पर पड़ता है एक छोटा सा नया गांव। शर्फी के संग भक्ति करते थे सुबह शाम, लेके जन्म फिर दया राम उनके घर आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं।
अपने भक्त नंदू को जो वर दे कर जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय बाबा मोहन राम भक्तों के सवारों का, जय बाबा मोहन राम भक्तों के सवारों का। चार या पांच वर्ष के थे जब दया राम बच्चे, बुरारी के मंदिर के दर्शन लगते थे अच्छे। उनके साथ के बच्चे जो स्कूल में जाते हैं, किंतु दया राम भक्ति में लगन लगाते हैं। 16 वर्ष की उम्र में कर दी घर वालों ने शादी, किंतु भक्त थे दया राम जी भक्ति के आदि। गृहस्थ आश्रम का जो फर्ज था उन्होंने खूब निभाया, 4 पुत्रियां जन्मी घर में 1 पुत्र है पाया। किंतु भक्ति से ना अपना ध्यान हटाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। अपने भक्त नंदू को जो वर दे कर जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय बाबा मोहन राम भक्तों के सवारों का, जय बाबा मोहन राम भक्तों के सवारों का। रही दया राम भगत पे मोहन राम की छाया, लगभग 2 एकड़ में उनका मंदिर बनवाया। सभी कार्य मंदिर के ये तो खुद ही करते हैं, सेवादार नहीं कोई, वो अपना तो रखते हैं। धरती पर ही सोते हैं और रहते नंगे, उनकी सेवा को सारा ही नया गांव। कब सोते ये कब उठते हैं नहीं किसी ने जाना, 40 सालों से खाया ना अन्न का एक दाना। दूध दही पर ही जीवन ये अपना बिताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। अपने भक्त नंदू को जो वर दे कर जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय बाबा मोहन राम भक्तों के सवारों का, जय बाबा मोहन राम भक्तों के सवारों का। सेवा आकर के रोजाना, वहां भी ज्योत जलाते हैं जो घर है इनका पुराना। खुद अपने ही खेत से खर्चा सारा उठाते हैं, चिड़ियों और कबूतरों को दाना खिलाते हैं। खुद ना पीते उससे पहले ये कभी पानी भी, मानते हैं बाबा का दिया है सब कुछ ही। भोंडस गांव में एक पुराना माता का मंदिर, करते सेवा दया राम जी वहां पे भी जा गए। कर्म योग और भक्ति योग एक साथ निभाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। अपने भक्त नंदू को जो वर दे कर जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय बाबा मोहन राम भक्तों के सवारों का, जय बाबा मोहन राम भक्तों।
नाग बाबा बा मोहन राम, फौज सुरेश के भी बन जाएंगे बिगड़े हुए का। हंस राज रल हन भी दर्शन को आ जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं अपने भा...